हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं एक और नई रिपेयरिंग लेके। हमारे पास ये पीसी है, ठीक है। इसमें क्या फॉल्ट है आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे कनेक्शन है इसके, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये वीजे का और ये है हमारा वीजे की पावर का, ये कीबोर्ड, ये पावर सप्लाई और ये हो गया कीबोर्ड माउस, ठीक है। तो अब हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो जो मदरबोर्ड का वो लोगो आ गया, डिस्प्ले आ गई मतलब, ठीक है। ये स्टार्ट नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। विंडो स्टार्ट नॉर्मली, सिस्टम इधर करके देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपने हेडलाइन पढ़ी है कि ब्लू स्क्रीन एरर, इसमें ब्लू स्क्रीन एरर का है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है ब्लू स्क्रीन एरर। विंडो का लोगो आ रखा है, ये देखिए ब्लू स्क्रीन एरर आ गया है आपका, मतलब ब्लू स्क्रीन हो गया और कुछ कोडिंग वोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, जो ये फॉल्ट आ रखा है सिस्टम में, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा सिस्टम है इसको खोल लेते हैं। ब्लू स्क्रीन एरर है तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले हमारी जो कंप्यूटर में रैम लगी हुई है या लैपटॉप में आ रखा है, चाहे कंप्यूटर में, ठीक है, पीसी में, इसमें सबसे पहले हम रैम को चेक करेंगे। सबसे पहले इस कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, कर दिया, ठीक है। इसमें जो रैम है इसको निकालते हैं, ये हमारी रैम लगी हुई इसमें DDR2 है और ये है 1 GB की, ठीक है। ये रैम इसमें लगी हुई है, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है शुरू में रिपेयरिंग नहीं होती। शुरू में हम ऐसे ही जो कंपोनेंट है, पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उसको चेंज करके या साफ करके चेक करते हैं कि कंप्यूटर में फॉल्ट क्या है। ब्लू स्क्रीन एरर आ रखा है तो ये सीधी साधी बात है, जो हमारे रैम है इसका फॉल्ट है, या फिर रैम स्लोट का हो, या फिर रैम के जो साइड में कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं उनका हो, मतलब टोटल मिला के रैम का फॉल्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो रैम इसको साफ करेंगे अच्छी तरह से, जो ये इरेजर है इसकी मदद से हम इसको साफ कर लेते हैं ऐसे करके, इरेजर से हम ऐसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम ये जो रैम है इसको लगा के देखेंगे। ये ब्लू स्क्रीन एरर बहुत आता है और जो इससे दुखी भी बहुत रहते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम चल नहीं पाता और बीच में ही बंद हो जाता है। जैसे विंडो का लोगो आता है, विंडो स्टार्ट होने वाली होती है, सिस्टम स्टार्ट करके देखते हैं, सिस्टम ऑन हो गया है, देखते हैं प्रॉब्लम सोल्व आउट होती है या नहीं होती है। स्टार्ट नॉर्मली, कुछ 1% है आपका फॉल्ट और कहीं पे मिल जाए, ज्यादातर फॉल्ट आपका रैम में ही मिलेगा इस कंडीशन में, ठीक है। सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो गया अपने आप, देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखती है। अभी स्टार्टिंग विंडो, देखो मैं आपको सीधा के सीधा रैम चेंज करके भी दिखा सकता हूं कि रैम चेंज कर दिया और आपका सिस्टम ओके हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं दिखाएंगे आपको। हम दिखाएंगे जैसे आप घर पे हो, आपके पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है उसके हिसाब से। जैसे आपके पास रेजर अवेलेबल होती है उसके हिसाब से हमने पहले रैम को साफ करना बताया, ठीक है। तो ऐसे ही ये सिस्टम को चेक किया जाता है। इरेजर से अगर आपका काम चल जाता है साफ करने से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद हम अब रैम चेंज करके देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधी मार्केट में जाओ, रैम लेके आओ दूसरी और उसको डाल के चेक करो, ऐसा नहीं होता। देखिए ब्लू स्क्रीन एरर फिर से आ गया है, ठीक है। इसका मतलब अभी इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब ये सिस्टम ऑन नहीं हुआ है इस रैम को साफ करने के बाद भी। इस कंडीशन में आप जो रैम स्लॉट हैं इनको भी साफ कर सकते हो पेट्रोल की मदद से, ठीक है, पेट्रोल ब्रश की मदद से कर सकते हो। लेकिन हमें लग रहा है कि ये फॉल्ट रैम का है, तो हम अब दूसरी रैम लगा के चेक कर लेते हैं एक बार सिस्टम को, ठीक है। ये दूसरी रैम हम 1 GB की ही लगा रहे हैं इसमें,
इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो फॉल्ट है वो रैम में है या और मदरबोर्ड में या स्लॉट में है। ठीक है, ज़्यादातर फॉल्ट ये होता है कि मदरबोर्ड में नहीं होता, ये रैम का फॉल्ट होता है। अब हम सिस्टम को ऑन करके देखते हैं। सिस्टम स्टार्ट हो गया है, सप्लाई भी आ गई है, डिस्प्ले भी आ गई है। ठीक है, स्टार्ट नॉर्मली, विंडो स्टार्टिंग, देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी कमियां होती है कंप्यूटर में, ठीक है, और लैपटॉप में बिल्कुल सेम होती है कंडीशन प्रॉब्लम की। ठीक है, अगर ब्लू स्क्रीन एरर आ रखा है तो इसमें मेन प्रॉब्लम रैम की ही होती है, और कोई भी प्रॉब्लम आपको ब्लू स्क्रीन में नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का छोटी मोटी प्रॉब्लम मिल सकती है और किसी भी पार्ट की छोटी मोटी, लेकिन रैम की प्रॉब्लम होती है। इसमें रैम स्लॉट हो गया, रैम के कंपोनेंट हो गए साइड के, रैम हो गई खुद की, ठीक है, तो इसी में आती है ब्लू स्क्रीन एरर। और एक कंडीशन होती है कि रैम सपोर्ट नहीं कर रहा हो बोर्ड में, रैम ओके हो लेकिन मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा हो रैम, तो भी आपका ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है इसमें। ठीक है, अब तक तो हमारा सिस्टम बंद नहीं हुआ है, रिस्टार्ट नहीं हुआ है, ब्लू स्क्रीन दिखा के हमारा सिस्टम बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। तो अब आप दोस्तों आपने एक फॉल्ट और ढूंढा, ब्लू स्क्रीन एरर। ये बहुत से केस आते हैं, ब्लू स्क्रीन, हमारी ब्लू स्क्रीन आ जाती है बीच में काम करते करते, जैसे यहाँ पे आगे काम करते करते भी कई बार बीच में ब्लू स्क्रीन आ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि रैम पे ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड होते ही रैम ब्लू स्क्रीन दिखा के सिस्टम को रिस्टार्ट कर देती है। ठीक है, उस कंडीशन में हमें रैम बढ़ानी होती है, ठीक है, अगर रैम कम है तो। लेकिन आज आपने देखा कि ब्लू स्क्रीन एरर को कैसे दूर किया जाए। ये ब्लू स्क्रीन एरर होता है टोटली रैम का फॉल्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो ब्लू स्क्रीन एरर है उसको निकाला है सिस्टम से। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।